हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हरी मिर्च का अचार का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। और ये मिर्च का अचार अगर ऑयल फ्री हो, हाँ जी, अगर ये बिना तेल का हो तो फिर बात ही क्या है, इसे फिर कोई भी खा सकता है। आज हम बनाने वाले हैं पानी की हरी मिर्च का अचार, जो कि राजस्थान का की बहुत ही फेमस मिर्च का अचार है। और ये अचार नुकसान भी नहीं करता है और काफ़ी दिनों तक हम इसे स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पे 5 से 7 बड़ी हरी मिर्च ली है। राई ली है मैंने यहाँ 3 चम्मच। सौंफ लिए यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच। कुछ दाने मेथी के लिए है, 1/2 चम्मच हींग ली है। और नमक लिया है मैंने लगभग 1.5 चम्मच। और अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी बॉयल करने के लिए बिठा दिया है। सौंफ और मेथी दोनों को मिक्स करके हम तवे पे रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम राई के साथ मिला करके इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हम ग्राइंड कर लेते हैं इन तीनों को। दूसरी तरफ हमारा पानी जो है वो बॉयल हो गया है। हमें पानी को बहुत अच्छा बॉयल करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसके अंदर में कोई भी जर्म्स वगैरह कुछ ना रहे, क्योंकि अचार है इसका पानी में ही बनेगा। तो ये देखिए हमने ये ग्राइंड कर लिया है, दरदरा हमें ग्राइंड करना है। और बाकी के जो मसाले मैंने बताए थे वो सारे इसमें हमें मिक्स कर लेने हैं। चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमने जो पानी गर्म किया था उसका हमने गैस ऑफ कर दिया है। और हमारी जो हरी मिर्च है वो मैं इसके अंदर में डिप कर देती हूँ। हमें आधे घंटे या 40 मिनट्स के लिए इसे डिप करके गर्म पानी में रखना है, तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ढक देते हैं हम इसे। थोड़ा थोड़ा हमें बीच बीच में खोल करके इसे पलट देना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो इसे हम वापस से ढक देते हैं। हमें इसे तब तक डिप करके रखना है जब तक कि ये पूरी तरह से इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। और उस प्रोसेस में हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे। देखिए हमारे 40-45 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए मिर्च का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में मिर्च को निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब ठंडी हो गई है हमारी मिर्च। इसके अंदर हम इस तरह से कट लगा देंगे और कट लगाकर इसके अंदर मसाला भरना है हमें। तो देखिए इस तरह से जितनी भी मिर्च थी सबको मैंने कट लगा करके और इस तरह से स्पून की हेल्प से मैंने इसके अंदर में सब में मसाले भर लिए हैं। देखिए सारी जो मिर्च हैं सब में मसाला मैंने स्टफ करके रख लिया है। मसाला हमें थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में भरना है। और अब हमें इसे जिस कंटेनर में स्टोर करके रखना है उसी कंटेनर में डायरेक्ट डाल देना है। या तो आप प्लास्टिक या कांच का कंटेनर यूज़ कर सकते हो। अब ऊपर से जितना हमारा मसाला था वो सारा मैंने ऊपर से डाल दिया है। इस मसाले का इस मिर्च में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब राई का पानी जो खट्टा हो जाता है ये और भी मज़ेदार लगता है खाने में। ये देखिए इसको मैंने हल्का सा इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। और जो पानी था हमारा उसी पानी को ठंडा करके हमें इसमें डाल देना है। याद रखिए पानी बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, वरना हमारी जो मिर्च है वो जल्दी ही खराब हो जाएगी। तो अब इसे ढक करके और थोड़ा सा अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं फिर से। देखिए हमारी मिर्च जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसे धूप में हम 1 से 2 दिन रखेंगे, उसके बाद में ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।